साबरकांठा जिल्लाना हिम्मतनगर विधानसभा में हिम्मतनगर पॉलिटेक्निकल कॉलेज में ईडर विधानसभा में ईडर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में खेड़ब्रह्मा विधानसभा में केटी हाईस्कूल में प्रांतिज विधानसभा में अवर ओन हाईस्कूल आज सवार 1,323 मतदान मथक पर 2,362 बेलेट यूनिट 1,561 कंट्रोल यूनिट और 1,758 वीवीपेटनी फाड़वणी हाथ धरवामां आवी छे। फाड़वेल ईवीएम साथ मतदान मथकों पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर बंदोबस्त साथ एसटी बस में मतदान मथके रवाना करवामां आव्या हता। हिम्मतनगर विधानसभा में हिम्मतनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम फाड़वणी की कामगिरी हाथ धरवामां आवी हती। 338 बूथ पर 1,681 कर्मचारी एसटी बस 79 रूट पर पोलिस बंदोबस्त साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर आसिस्टंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर सहित स्टाफ फाड़वेल ईवीएम साथ एसटी बस में पोलिस बंदोबस्त साथ बूथ पर रवाना करवामां आव्यो हतो। आज रोज साबरकांठा जिल्ला की 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी हिम्मतनगर प्रांतिज ईडर और खेड़ब्रह्मा माटे जे ईवीएम जे छे एमना डिस्पेचिंग सेंटरो पर थी पोलिंग स्टेशन्स जवा माटे रवाना थई गयेल छे। साबरकांठा जिल्लामां विधानसभा चूंटणीने ध्याने लई तमाम पोलिंग स्टेशन उपर अने एन्सिलरी जे ड्यूटीज छे एना माटे लगभग 2,000 पोलिसना जवानो 1,600-1,700 होमगार्ड अने जीआरडी सीएपीएफनी कंपनीजनो पूरतो बंदोबस्त लगाड़वामां आवेलो छे। साबरकांठा जिल्ला पोलिस अने तमाम पोलिस फोर्स जे छे ए फ्री फेर अने पीसफुल इलेक्शन थाय ए माटे कटिबद्ध छीए अने आज सांज सुधी में तमाम टीमों जे छे ए रीते गोठवाई गयेली हशे पोलिंग स्टेशन उपर अने ए ज रीते इलेक्शन जे छे शांतिपूर्ण पूर्ण थाय ए बाबते जे छे अमे विश्वास धरावीए छीए। संवेदनशील मतदान मथकों पर इलेक्शन कमीशन ना जे सिक्योरिटी स्केल आपेला छे ए मुजब जरूर मुजबना पोलिस कर्मीओ फाळवेला छे। ए उपरांत सीएपीएफ ना जे हाफ सेक्शन्स जरूर पड़े एक्स्ट्रा हाफ सेक्शन्स ए रीते पूरती सुरक्षानी व्यवस्था करवामां आवेली छे। આવતી કાલે હિંમતનગર વિધાનસભા માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે એના ભાગરૂપે આજે મતદાન મથકો ઉપર અત્રેથી હિંમતનગરના 338 મતદાન મથકો છે તે તમામ મતદાન મથકો ઉપર સ્ટાફ ઈવીએમ અને ચૂંટણી સામગ્રી સાથે રવાના કરવામાં આવેલ છે। ટોટલ मतदान मथक पर 1,680 कर्मचारी फरज बजावशे जे बधाज वहेली सवारे अहीं आवी गया हता एमने सामग्रीनू तथा ईवीएमनू वितरण करी देवामां आव्युं छे अने रूटवाइज पोलिस गार्ड साथे हथियारी पोलिस साथे अने जीपीएस ट्रेकिंग सीस्टमवाला वाहनोमां ईवीएम मतदान मथक पर आजे पहोंची जशे। 4 વિધાનસભામાં આવતીકાલે સવારથી મતદાન થવાનું છે ત્યારે પોલીસ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। એ ઉપરાંત સંવેદનશીલ 348 મતદાન મથક પર સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સ મૂકવામાં આવી છે। પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં ફાળવણી કરવામાં આવી છે તો ચૂંટણીને લઈ 27 કંપની સીએપીએફ 1 એસપી 4 ડીવાયએસપી 14 પીઆઈ 37 પીએસઆઈ સાથે 1,750 પોલીસ કર્મીઓ 1,650 હોમગાર્ડ જીઆરડીની ફાળવણી બંદોબસ્ત માટે કરવામાં આવી। બીજા તબક્કાની 4 વિધાનસભાની ચૂંટણી માટેના મતદાનને લઈ તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવાઈ છે ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે આવતીકાલે મતદારો ઉત્સાહ કેવો જોવા મળે છે। રાજવીર સિંહ રાઠોડનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સાબરકાંઠા।